नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। रतिया के व्यापारियों ने मार्केट कमेटी के कार्यालय के बाहर धरना दिया। सरकार व आढ़तियों के बीच में तनातनी रुकने का नाम नहीं ले रही। ये नारेबाजी सरकार के खिलाफ की गई। मार्केट कमेटी सचिव द्वारा जबरदस्ती गेहूं लिखने व व्यापारियों को धमकी देने के खिलाफ ये धरना दिया गया। आज सुबह सभी व्यापारी अपने मार्केट कमेटी में जमा करवाएंगे रजिस्टर। उन्होंने कहा कि ये हर रोज प्रदर्शन जारी रहेगा। व्यापारियों का कहना है कि सरकार द्वारा ई खरीद को रोका जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कभी भी और किसी भी समय आढ़ती एसोसिएशन सरकार का सहयोग नहीं करेगी। पल पल रतिया से राजेंद्र मित्तल की मेरे को ऊपर से आदेश है मैं लिखूंगा, तो उन्होंने धक्के से अपने दोनों रजिस्टरों पे फड़ के भी और अपने भी रजिस्टर पे बोली लिख ली। इन्होंने अपना रजिस्टर नहीं दिया, ना इनके कोई हस्ताक्षर है। बिल्कुल धक्के से लिख के ले गए, फिर हमारे को पता चला, हम साथ गए। फिर वो है दादूपुर जो प्रॉपर सेंटर है वहाँ पहुँच गए। वो मेरा भी सेंटर है, मेरी भी एक दो डेरी है वहाँ पड़ी है, कूपन कटा हुआ है। तो वो मेरे को चेक करके मास्टर कहते इसकी डेरी लिखाओ। मैं कहा बिल्कुल नहीं लिखाते जी, आप तो लाओगे। हैफड़ वाला सोसाइटी वाला था, मैं कहा सोसाइटी में तला लेगा तो लिख ले भाई, मैं तो नहीं लिखाता ना मैं तो लूँगा। तो फिर वो उसी टाइम मेरी बहसबाजी भी हुई सेक्रेटरी साहब से, तो फिर वो वहाँ से गाड़ी लेके अपनी निकल ली। वहाँ तो लिखी नहीं इन्होंने कर। और ये इनकी पूरी कोशिश है, हर सेंटर में जा रहे हैं भी कण का हम धक्के से लिखेंगे। तो भाइयों सभी अपने तैयार हो, अपने कोई गेहूँ की बोली नहीं करानी जब तक अपने हक में कोई फैसला नहीं हो। एक सभी भाइयों से निवेदन है कि अपने एक्चुअल रजिस्टर सुबह आप इकट्ठे करके इनको संभला देंगे। एक रोष प्रदर्शन कल बड़ा करा प्रधान जी, जीन ने दूसरे व्यापारी भी ऐड के समर्थन जा गए। वो तो जीन ने दूसरे व्यापारी भी ऐड के समर्थन। एक बार आप सवेरे आते आते पांच पांच जिमीदार जरूर बुलाओ ताकि आप अपना रोष प्रदर्शन चंगी तरह करा सके। आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया ही सही नहीं है। जिस जिमीदार के 20 एकड़ है आपके 12 शो करते हैं, बताओ 8 एकड़ वाला कहाँ जाएगा? वो आपका तो बिल्कुल ऐसी बात है। आपकी 50 सरकार ये कहती है धक्के से लिखो। हमारी राज्यव्यापी हड़ताल चल रही थी। हम बड़े शांति प्रिय ढंग से हड़ताल के समर्थन में अपनी अपनी दुकानों पर बैठे थे। हमने बोली का बहिष्कार किया हुआ था, परंतु आज हमारी सेक्रेटरी साहब और एसडीएम साहब के साथ भी मीटिंग हुई और शांति में ढंग से हमारी बड़े कॉर्डियल तरीके से हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने हमारी बातें भी सुनी और उन्होंने कहा मैं आपकी बात आगे रखने की भी कोशिश करूंगा, जो आपकी समस्या है उसका हल करने की कोशिश करूंगा। हमने कहा कोई बात नहीं जी, हमारी समस्याएं अगर हल होती हैं हम आज हड़ताल तोड़ देते हैं। हमारी जो समस्या है अगर हल होती है हम आपके साथ आज हड़ताल तोड़ते हैं, आज गेहूँ तोड़ने के तैयार हैं। उन्होंने हमारे से 5 बजे का समय लिया। अभी हम आपकी बात आगे रखते हैं और मीटिंग वगैरह चल रही है ऊपर स्तर पर, जैसा कोई फैसला होगा हम आपके साथ हैं। इसी दौरान हमारे को आज दोपहर को 3:30-4 बजे हमारे एक आरती भाई है राम कुमार हवा सिंह, उनका माल यहाँ पर सेलर पर पड़ा हुआ था जो कि मंजूर शुदा था। वहाँ पर सेक्रेटरी साहब और एफर्ट एजेंसी गए, परचेजर जाते हैं और धक्के से वहाँ पर उनकी परचेज लिखते हैं, जबकि वहाँ कर आरती का कहता है भी मैं कोई बोली नहीं लिखाऊंगा, पर उन्होंने धक्के से उनकी बोली लिखाई बिना हस्ताक्षर के उन्होंने लिख दिया। बताओ ऐसे कोई माल तुल जाएगा? ना हम बारदाना लेते ना हम टोल लगाते, ऐसे बोली लगाने से क्या होगा? ऐसे तो फिर सारे हरियाणा में 90 लाख क्विंटल आएगी ना। घर बैठ ले लिख लो
घर बैठ के लिख लो 90 क्विंटल लगाई थी, लिख लो। ऐसे कोई लिखने से माल नहीं तुलेगा। तो हमारी इस रोज स्वरूप हड़ताल है, अब हम बिल्कुल कठिन हो गए हैं। अब हमारी मांगे जब तक पूर्णता नहीं मानी जाती, हम अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर है और सारा स्टेट हमारे साथ है। जब तक हमारी समस्या नहीं मानी जाती, हम हड़ताल। जो प्रदर्शन का है उसमें क्या है आपका? कल को हमारी सारी मंडी का प्रदर्शन है। हम अपने रजिस्टर जो भी डॉक्यूमेंट्स है मार्केट कमेटी के, हम इनको जमा करवा देंगे। ये बोली कराए, तुलवाए, कुछ कराए। इस महामारी में हम तो कोऑपरेट करने को तैयार थे, काम करने को तैयार थे, ये करवाना ही नहीं चाहते। तो हमारी इनसे दरखास्त है, जैसे ये चाहते हैं ये किसान से तुलवाए, कंडा करवाए, उठवाए, बाधा ना दे, हमारे हाथ खड़े हैं। जब तक हमारी डिमांड, किसान मजदूर भी आपके साथ, हमारे साथ किसान यूनियन, लेबर यूनियन, मुनीम यूनियन, सारा जो भी व्यापारी वर्ग है सब हमारे साथ है। इस कार्य के लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हो? जो इस कार्य के लिए सबसे बड़े जिम्मेवार हम, हमारे जो मंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को मानते हैं। हमारी उनसे कई बार अर्ज होगी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने उनसे बहुत अर्ज की, उन्होंने उनकी भी नहीं सुनी। हम उनसे अरदास लाते हैं, अभी हमारे पेट पे लात ना मारे। जो ये 70 साल से हमारा और किसानों का चोली दामन का साथ है, इसको मत तोड़े। हम उनसे अभी भी दरखास्त लगाते हैं, इस मौके को यही संभाल ले, वरना ये उनके आंचल तक आग जाएगी और ये सरकार के ऊपर कष्ट आ सकता है।